स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर आज का ये वीडियो सभी रेल एजेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसे दोस्तों दुकानदार, ऐसे रेलवे एजेंट जिनके पास रेलवे की ऑथराइज्ड आईडी है, सर्टिफिकेट है, अगर उन लोगों को ट्रेन टिकट सेल करते हैं तो उनके लिए दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। तो फिर अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता था दोस्तों, जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करते थे तो दोस्तों कस्टमर का मोबाइल नंबर ना डाल के आप किसी का ही मोबाइल नंबर डाल देते थे। ऐसा दोस्तों कई बार, एक दो बार मेरे से भी हुआ है और दोस्तों एक दो बार बहुत सारे जो हमारे एजेंट है वो भी ऐसी गलती कर बैठते थे। कई बार दोस्तों कुछ एजेंट इसलिए करते थे क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते थे जो अगर 600 का टिकट है तो 500 रुपये देते थे और 100 रुपये बाकी रखते थे। ऐसे में जो हमारा एजेंट है वो अपना नंबर डाल देता था, वो सोचता था कि कल को अगर ट्रेन टिकट कैंसिल करना होगा तो ओटीपी मेरे नंबर पे आएगा, मैं इजी तरीके से कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे कुछ रीजन होते थे। लेकिन दोस्तों अब रेलवे का नया अपडेट आ चुका है, अब दोस्तों आपको कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके पास जो भी कंपनी की एजेंट आईडी हो वहाँ पे दोस्तों आप जब नंबर डालेंगे तो नीचे वहाँ लिखा रहेगा, अगर कस्टमर का सही मोबाइल नंबर डाले, किसी भी प्रकार की अगर आप वायलेंट करते हैं तो 5,000 रुपये आपको पेनल्टी प्लस अलग से टैक्सेस देने पड़ेंगे। तत्काल टाइम से दोस्तों ये नियम लागू हो चुका है। तो सभी एजेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब आने वाले कल में या फिर वीडियो देखने के बाद, अब आप जितने लोगों का भी ट्रेन टिकट बुक करेंगे उन कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालेंगे। और दोस्तों खासकर मैं सभी एजेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो मोबाइल नंबर आपको नहीं यूज करना है जो आप पोर्टल में दिए हो। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कई बार आपके मन में ख्याल आता होगा कि आखिर रेलवे को पता कैसे चलेगा या फिर कंपनी को पता कैसे चलेगा, तो फ्रेंड अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिस मोबाइल नंबर से आपकी आईडी एक्टिवेट हुई है तो फ्रेंड ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी ये गलती भूल कर भी ना करें। अगर बाई चांस आप नंबर चेंज भी कर रहे हैं, कस्टमर नंबर नहीं डाल रहे, किसी और का भी डाल रहे, तो जिससे आपकी आईडी एक्टिवेट है वो नंबर आप मत डालिए। बस सभी से रिक्वेस्ट है कि कस्टमर का मोबाइल नंबर आप जरूर डालें, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेन टिकट की प्रिंटिंग में इसमें मोबाइल नंबर नहीं शो हो रहा है, तो ऐसे में कस्टमर को भी नहीं पता चल पाता है कि उसके मतलब टिकट में एक्चुअली में किसका प्रिंट डाला, मतलब किसका मोबाइल नंबर डाला गया है। तो सभी एजेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले कल में आप जितने लोगों का भी ट्रेन टिकट बुक करेंगे कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालेंगे, वरना ध्यान दें दोस्तों 5,000 रुपये पेनल्टी प्लस अगर आप अलग से आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड बड़ी अपडेट थी, जितने भी एजेंट ये वीडियो देख रहे हैं जितना से जितना हो सके वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चले। तो फ्रेंड ये नया रूल्स आया है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रूल्स का आप फॉलो करें, इस रूल्स का पालन जरूर करें। क्या मतलब है दोस्तों, आप 20, 50, 100 रुपये के लिए दूसरा मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं कई बार दोस्तों। हालांकि मैं मानता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, तो बट फ्रेंड अब आने वाले कल में आपको कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालना है। आशा करता हूँ वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला था वो समझ में आ गया होगा। अब बहुत से रेल यात्रियों के मन में ख्याल आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों रूल्स आ गया है। तो फ्रेंड कई बार ट्रेनें कैंसिल होती हैं, ट्रेनें का टाइम डाइवर्ट होता है, तो ऐसे में दोस्तों रेल यात्रियों का अगर मोबाइल नंबर उसमें नहीं इंटर रहता है तो उनको नहीं पता चल पाता है। तो ऐसे में दोस्तों रेलवे ने फैसला लिया कि क्योंकि रेलवे को बहुत अच्छे से पता है कि आज के समय में ज़्यादातर जो ट्रेन टिकट है वो ऑनलाइन बुक हो रही है, इसलिए उनका फैसला लिया गया है कि कस्टमर का मोबाइल नंबर आप अपडेट करेंगे तो कुछ भी अगर रेलवे की तरफ से मैसेज आएगा तो सीधा कस्टमर को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड ये सब कुछ रीजन है, मतलब कस्टमर की सेफ्टी के लिए ही रेलवे ने ऐसा फैसला लिया है। तो फ्रेंड रेलवे जब इतना रेल यात्रियों के लिए कर रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जो कस्टमर है, आपके जो ग्राहक है, उनके लिए आप ये सब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कई बार ट्रेन डाइवर्ट होती है, लेट होती है, तो रेल यात्रियों को नहीं पता चल पाता है, वो दो दो तीन तीन घंटा पहले स्टेशन पर जाके बैठ जाते हैं, तो ऐसे में फ्रेंड यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में जो बताने वाला था आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो आप कस्टमर का मोबाइल नंबर ही डालेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।